बाड़मेर जनसेवा समिति द्वारा संचालित नेत्र ज्योति चिकित्सालय में भगवती डायलिसिस सेंटर से एक नई डायलिसिस मशीन का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। समारोह में नगर परिषद सभापति दिलीप माली, राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर बीएल मंसूरिया सहित कई अतिथि मौजूद रहे और डायलिसिस मशीन का फीता काटकर उद्घाटन किया। शादी की सालगिरह के अवसर पर अधिकतर आपने शादी पार्टी या किसी सामूहिक भोज के कार्यक्रम देखे और सुने होंगे, लेकिन बाड़मेर में किडनी मरीजों के इलाज के लिए अज्ञाते हुए एक दंपति ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पर डायलिसिस सेंटर को डायलिसिस मशीन भेंट कर नवीन पहल की है, जिससे किडनी की बीमारियों से जूझ रहे रोगियों को उपचार मिल सकेगा। दरअसल बाड़मेर जनसेवा समिति द्वारा संचालित नेत्र ज्योति चिकित्सालय के भगवती डायलिसिस सेंटर को मोड़ा निवासी बंशीलाल श्री श्रीमाल एवं उनकी पत्नी कमला हाल निवासी मुंबई ने शादी की सालगिरह को सबसे अलग तरीके से मनाते हुए मानव सेवा के लिए करीब 7 लाख की लागत से खरीदी गई डायलिसिस मशीन भेंट की है। दंपति की इस प्रेरणादायी पहल को लेकर बाड़मेर जनसेवा समिति द्वारा नवीन डायलिसिस मशीन के शुभारंभ को लेकर नेत्र ज्योति चिकित्सालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति दीपक माली, तहसीलदार प्रेम सिंह माचरा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएल मंसूरिया ने शिरकत कर नवीन डायलिसिस मशीन का फीता काटकर शुभारंभ किया एवं नेक कार्य के लिए दंपति को बधाइयां प्रेषित की। कार्यक्रम में बोलते हुए सभापति दिलीप माली ने कहा कि अक्सर लोग अपनी शादी की सालगिरह पर अपने करीबियों को न्योता देकर पार्टी अथवा किसी भोज का आयोजन करते हैं, लेकिन बंशीलाल श्रीमाल एवं उनकी पत्नी कमला ने डायलिसिस संबंधित रोगों से जूझ रहे रोगियों के इलाज के लिए डायलिसिस मशीन भेंट कर मानवता का उदाहरण पेश किया है। तहसीलदार प्रेम सिंह माचरा, अस्पताल अधीक्षक बीएल मंसूरी और बाड़मेर जनसेवा समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मूथा ने भी अपने उद्बोधन के माध्यम से दंपति की पहल को सराहनीय बताया। डायलिसिस मशीन के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान भगवती डायलिसिस के स्टाफ ने अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। तत्पश्चात अतिथियों एवं दंपति ने डायलिसिस मशीन के कक्ष का फीता काटकर शुभारंभ किया। गौरतलब है कि भगवती डायलिसिस में पूर्व में 7 डायलिसिस मशीनें लगी हुई थी और डायलिसिस के मरीजों में बढ़ोतरी के चलते डायलिसिस मशीन की आवश्यकता भी महसूस हो रही थी। कार्यक्रम के दौरान श्री श्रीमाल परिवार के सदस्य, बाड़मेर जनसेवा समिति के पदाधिकारी, नेत्र ज्योति चिकित्सालय एवं भगवती डायलिसिस का स्टाफ और दर्जनों लोग मौजूद रहे।